कवि तुलसीदास हिंदी साहित्य के आकाश के परम नक्षत्र, भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास जी एक सत कवि, भक्त तथा समाज सुधारक तीनों रूपों में मान्य हैं। श्री राम को समर्पित ग्रंथ श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का प्रकारांतर से ऐसा अवधि भाषांतर है जिसमें अन्य भी कई कृतियों से महत्वपूर्ण सामग्री समाहित की गई थी। श्री रामचरितमानस को समस्त उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। उनका विनय पत्रिका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। इनका जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म सोरों शुकर क्षेत्र वर्तमान में कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर जिला बांदा में हुआ मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर को मानने के पक्ष में हैं। उनका जन्म पंडित आत्माराम दुबे और उनकी भार्या हुलसी के यहाँ 1511 ईस्वी संवत 1568 विक्रमी के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। जन्म लेने के साथ ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उनका नाम रामबोला पड़ गया। उनके जन्म के दूसरे ही दिन माँ का निधन हो गया। पिता दुनिया से विरक्त हो गए। रामबोला गली गली भटकते हुए अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गए। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहर्यानंद जी ने रामबोला नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उनका नाम तुलसी राम रखा। तदुपरांत वे उसे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी को उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। तुलसीराम का विवाह रत्नावली से हुआ। पत्नी की याद में व्याकुल तुलसीराम भयंकर अंधेरी रात में उफनती यमुना नदी पार कर सीधे अपनी पत्नी के शयन कक्ष में जा पहुंचे, अपने ससुराल में। रत्नावली ने लोकलाज के भय से जब उनसे वापस जाने का आग्रह किया और वह जब नहीं मानी, तब उनकी इस अप्रत्याशित जिद से खींचकर रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से जो शिक्षा उन्हें दी, उसने ही तुलसीराम को तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने क्रोधित होते हुए कहा था, लाज न आई आपको द्वारे आए हूँ नाथ, अस्थि चर्म मय देह यह तासो ऐसी प्रीति ता, नेकू जो होती राम से तो काहे भव बीत बीता। यह दोहा सुनते ही उन्होंने उसी समय पत्नी को वहीं उसके पिता के घर छोड़ दिया और वापस लौट आए। दुनिया से विरक्त वह लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि यकायक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण कर यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी भगवान श्री राम की इस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए।
अंततो गत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। देवयोग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की पुष्टि थी। उस समय वहाँ उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। तुलसीदास जी की हस्तलिपि अत्यधिक सुंदर थी। लगता था जैसे उस युग में उन्हें कैलीग्राफी की कला आती थी। उनके जन्म स्थान राजापुर के एक मंदिर में श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक प्रति सुरक्षित रखी हुई है। अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने काल क्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचनाएं की: रामललान हचु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सत्सई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियों के विषय में किसी कवि की यह आर्षवाणी सटीक प्रतीत होती है: पश्य देवस्य काव्यम न मृणोति न जीर्यति, अर्थात देव पुरुषों का काव्य देखिए जो ना मरता ना पुराना होता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ राम भक्त विशेष रूप से करते हैं। उनके द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ आज हर घर में होता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है, इसलिए प्रामाणिक रचनाओं के संबंध में अंतः साक्ष्य का अभाव दिखाई देता है। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया।